आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ यूट्यूबर्स और उनके द्वारा किए जाने वाले बिजनेस। पहले नंबर पर आता है बी यूनिक, और उनका नाम की तरह ही उनका कंटेंट भी सबसे अलग होता है। उन्होंने शुरू में तो बहुत सारी नौकरियां की, लेकिन उनमें वो फेल हुए, मतलब उनको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन उसके बाद उनके फ्रेंड के एडवाइस के बाद उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट की। शुरू में तो ज़्यादा एफर्ट नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनके व्यूज़, लाइक सब कुछ बढ़ने लगे, और वो बहुत सारी वीडियोस में कोलैबोरेशन भी करते हैं। उनके नाम की तरह उनका कंटेंट भी सबसे अलग होता है, और इसी के चलते उनकी वीडियो के लास्ट में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डाल दिया जाता है, जिससे कि जो लोग उस वीडियो को देख रहे होते हैं वो लोग उस वीडियो को लास्ट तक देखें। और उनकी वीडियोस अब ट्रेंडिंग में भी आती हैं, और अभी कैलिफोर्निया में बिटकॉइन में भी वो गए थे। लेकिन अभी इसमें हम बात करें उनके द्वारा बिजनेस भी कौन से किए जाते हैं, तो उन्होंने अभी फ़िलहाल एक नया बिजनेस शुरू किया था जिसका नाम है द फेस्ट इंडियन कंपनी, जिसके अंदर वो मुंबई की कुछ खाने की चीज़ें होटल बना रखा है, मतलब उसका एक प्रकार से उसमें चाय, समोसा, वड़ा पाव जैसी चीज़ें वो उसमें रखते हैं। अगले नंबर पर आता है बियर बाइसेप्स, और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल सिर्फ अपना वेट लॉस करने के लिए और कुछ टिप्स देने के लिए शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वो खुद तो एक्सरसाइज करते ही थे लेकिन दूसरों को भी बताते थे, और इसी के कारण उनका जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा हिट हो गया। और इंडिया में सबसे स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट शो जो होता है वो द रणवीर शो का होता है। और अब इन्होंने बढ़िया से अपनी बॉडी बना ली है, और अभी इन्होंने एक जो बिजनेस शुरू किया था उसका नाम है मोंकी एंटरटेनमेंट, और ये जो कंपनी है ना, ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंस मार्केट से रिलेटेड है। इस कंपनी को जो है आज के दिन में इंडिया की मोस्ट लीडिंग कंपनीज में से एक माना जाता है, और जो ये कंपनीज दिख रही हैं आपको ये सभी भी इनसे स्पॉन्सरशिप करवाती हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है डॉक्टर विवेक बंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, और इन्होंने अब YouTube पर 13.3 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा क्रॉस कर लिए हैं, और इन्होंने 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं अपने YouTube करियर के थ्रू। अपने YouTube पर हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, मतलब बिजनेस कैसे चलाएं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स डालते हैं और उनको देखते हैं लोग। उन्होंने जब अपनी सफलता का राज बताया तो वो ये था कि वो भगवद गीता पढ़ते हैं। अब बात करें उनके बिजनेस की, तो उन्होंने अपना यूट्यूब के अलावा उन्होंने कंपनी शुरू किया 2012 में, जिसका नाम था ग्लोबल एक्ट, जिसका नाम उन्होंने बाद में बदल कर बड़ा बिजनेस रख दिया, और उसके आज मिलियंस में डाउनलोडर्स हैं, और वो यूट्यूब और बड़ा बिजनेस दोनों से ही पैसे कमाते हैं। इन्होंने बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग फॉर बिजनेसमैन शुरू किया हुआ है, और उन्होंने फोर्ड मोटर्स के CEO के साथ भी डील्स की हुई है। अब इनके अवार्ड की बात करें तो इनके अवार्ड हैं बेस्ट CEO कोच इन इंडिया, बेस्ट कॉरपोरेट ट्रेनर इन इंडिया, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया। नेक्स्ट नंबर पर आता है आशीष चंचलानी वाइंस, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम वीडियोस अपलोड करने के बाद, जब उनको लगा कि उनकी वीडियोस हिट हो रही हैं, उसके बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और आज इनके 19.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस में जो है कोलाबरेट किया हुआ है एक्टर्स के साथ, और ये कुछ एक्टर्स का इंटरव्यू भी लेते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने सोचा कि कुछ एक्टिंग करूंगा, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर वीडियोस अपलोड करना शुरू की। उसके बाद देखते देखते लोगों को वो पसंद आने लगी इनका कंटेंट। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पर आने की सोची, और वहाँ पर भी ये बिल्कुल वायरल हो गए हैं, और आज इनकी कोई भी नई वीडियो आती है तो वो सीधे ट्रेंडिंग पर जाती है। अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट कॉमेडी इन्फ्लुएंस अवार्ड और बेस्ट डिजिटल इन्फ्लुएंसर अवार्ड इनके पास है। इन्होंने 10 मिलियन डायमंड प्ले बटन, फोर्थ इंडिविजुअल क्रिएटर हैं ये डायमंड बटन लेने वाले, और अब ये इंडिया का मैसिव चैनल बन चुका है, और आज ये अगर किसी भी चीज़ की स्पॉन्सरशिप करते हैं तो वो लगभग 30 लाख रुपए लेते हैं उस कंपनी से। नेक्स्ट नंबर पर आता है बीबीक्यू वाइन, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इन्होंने अपना यूट्यूब करियर 2015 में स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो अपलोड करना शुरू की, और इन्होंने अब बीबीक्यू वाइन्स फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल जिन्होंने इंडिया से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए,
और उसके बाद 10 मिलियन भी सबसे पहले कंप्लीट की। अब अगर बात करें इनके बिजनेस की तो इन्होंने कुछ टी शर्ट्स बेचनी शुरू की थी साइट पे यूथ थी अपा नाम की पे, और लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई और उसी के कारण ये इंडिया फोर्ब्स में 30 अंडर 30 के लिस्ट में आए थे। और अगर हम अब इनके अवार्ड्स की बात करें तो वो है मोस्ट वायरल कंटेंट क्रिएटर, एंटरटेनर ऑफ द ईयर, आइकन ऑफ न्यू हुड। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं मोस्टली सेन। इन्होंने अपना करियर सबसे पहले रेडियो के अंदर स्टार्ट किया था, जो रेडियो होते हैं ना 93.1 FM, लेकिन उनके बाद इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया यूट्यूब में और इनके चैनल पर आज 5.55 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 2.4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ये बहुत सारे एक्टर्स के साथ कोलेब्रेशन भी करती हैं। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं कैरी मिनाटी, अजय नेगर। इन्होंने 15 साल की उम्र में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आज ये इंडिया के यंगेस्ट यूट्यूबर बन चुके हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन और अब 30 मिलियन भी करने वाले हैं। और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 15 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। इनके अलावा इसके पास एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कैरीज लाइव, जिस पर वो लाइव स्ट्रीम करते हैं। हाल ही में अपलोड की गई वीडियो था एंड के कारण सुर्खियों में आ गए क्योंकि इन्होंने 5 दिन में 1 करोड़ व्यू कंप्लीट किए, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी के कारण वीडियो डिलीट हो गई। लेकिन उसके बाद जो रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए वो अनबिलीवेबल थे। उन्होंने 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए और आज इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्सक्राइबर्स वाले चैनल हैं। और इनकी अर्निंग की बात करें तो $30,000 मंथली यानी 22,50,000 रुपये है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं टेक्निकल गुरुजी, और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल, एक छोटा सा चैनल सिर्फ टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस डालने के लिए शुरू किया था, लेकिन उस समय ज़्यादा पॉपुलर ना हो पाए क्योंकि टेक्नोलॉजी कम थी। लेकिन अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि अब इन्होंने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और लगभग ये एक प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने के 40 लाख रुपए लेते हैं। और इसी के कारण ये इंडिया के इतने ज़्यादा अमीर आदमी हैं कि इन्होंने के पास बहुत सारी कार्स कलेक्शन है, जिसमें सबसे महंगी है रोल्स रॉयस, और इन्होंने हाल ही में एक माउंटेन खरीद लिया है अपने नाम पे। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे ऐसे ही फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आप अभी विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा यूट्यूबर सबसे बढ़िया लगता है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। बाय बाय।